स्वागत है लंडी टाइम में। आज हम बात करेंगे स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार की जॉब वैकेंसी की, उसके बारे में बात करेंगे। फ्रेंड, उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है, आपने मेरे चैनल लंडी टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल लंडी टाइम को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पता चल सके। फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। ये बिहार की स्टेट हेल्थ सोसाइटी की जॉब वैकेंसी निकली है, 1050 वैकेंसी निकली है, उसके बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, इसकी आप जो फीस दे सकते हैं यूआर और इकोनॉमिक वीक सेक्टर वालों के लिए जो 500 रुपये फीस रहेगी, एससी और एसटी और बिहार डोमिसाइल वालों की फीमेल के लिए 250 रुपये रहेगी। आप इसके लिए ऑनलाइन माध्यम से जमा कर सकते हैं, स्टार्टिंग डेट अप्लाई कर सकते हैं 23 जून से स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट इसकी फ्रेंड 14 जुलाई 2020, ठीक है। उसकी मिनिमम एज रहेगी हमारी यहाँ पे आप दे सकते हैं 21 रहेगी और मैक्सिमम एज रहेगी यूआर इकोनॉमिक सेक्टर की ठीक 42 रहेगी। मैक्सिमम एज रहेगी बीसी एमबीसी वालों की 45 और मैक्सिमम एज रहेगी एससी एसटी वालों की 47 साल रहेगी, ठीक है। तो ये आपको एज रिलेक्शन पता चल गया है। यहाँ पे आप देख लेते हैं, आपको कैंडिडेट शुड बी पास जीएनएमोलॉजी बीएससी नर्सिंग अंडर गवर्नमेंट ऑफ बिहार, यानी बिहार से ही आपको करना होगा तभी आपको ये प्राप्त होगा। फ्रेंड, अब इसके हम रजिस्ट्रेशन लिंक पे और ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे मैं आपको लेके जाता हूँ। तो फ्रेंड्स, देखिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो आप दे सकते हैं, स्टेट हेल्थ सोसाइटी के बिहार का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ये सब मैं आपको मेन मेन डिटेल में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मैं इसका आपको बता चुका हूँ, ये वैकेंसी है कुछ इस तरीके से रहेंगी। आप देख सकते हैं, ये हमें एज आपको बता चुका हूँ, ठीक है, जो हमारा रहेगा। ये हमारी सिर्फ वैकेंसी डिवाइडेड है बाई कैटेगरीज बाई, ठीक है। टोटल पोस्ट आप देख सकते हैं, सब ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैं आपको बता चुका हूँ। थोड़ा सा आपको ये बता दो किस तरीके से प्रोसेस रहेगा, फीस के भी बता चुका हूँ आपको। यहाँ पे दे सकते हैं जी मिनी, आपको यहाँ पे आप दे सकते हैं, आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, ठीक है। उसको आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन टेस्ट होगा ओवरऑल 30% लाना है, तो ये चीज़ इसमें आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना, आपको 30% मार्क्स लेके आने हैं इसके लिए। आप देखते हैं फ्रेंड्स, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं, आप फॉर्म फिलिंग किस तरीके से करते हो वो मैं आपको बताता हूँ। देख सकते हैं ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर हम आ चुके हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कैंडिडेट का अपना नाम देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको पोस्ट जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो बताना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन बतानी है यहाँ पे, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ पे बताना है आप बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिलिंग का, उसका बताना है यस। उसके बाद आपको करने के बाद, जैसे मैं यस करता हूँ, यहाँ पे आपको उसका काउंसिलिंग रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा, ठीक है। नेशनलिटी बतानी है, आप बिहार के डोमिसाइल हैं या नहीं बतानी, कैटेगरी बतानी है, ठीक। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ बताना है, डेट ऑफ बर्थ बताने का जेंडर यहाँ पे बताना है, फिजिकल आप डिसेबल है या नहीं वो बताना है। इसके बाद आपको रिजर्वेशन बताना, फ्रीडम फाइटर की अंतर्गत आते हैं नहीं, ईमेल एड्रेस बताना है, कन्फर्म ईमेल एड्रेस बताना है, मोबाइल नंबर बताना है, ये कैप्चा भरना है। इस तरीके से आपको टर्म उसे एक्सेप्ट टर्म कंडीशन करना, सेव एंड कंटिन्यू करना है। तो फ्रेंड्स, ये थी डिटेल किस तरीके से फॉर्म भरते हैं, इसकी मैंने आपको डिटेल बता दी है, आपको नोटिफिकेशन भी बता दिया। तो किस तरीके से, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा दोनों के, तो और आप देखकर अच्छे से फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ मेरे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।